क्या आप भी सोच रहे हैं एक टीचर हैं इस टाइप से पढ़ाने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, एमसीक्यू क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए? ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर अच्छे तरीके से राइट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं इस पर। ठीक है, हर एक टीचर्स का अब सपना हो रहा है जो हमें डिजिटल बोर्ड चाहिए, और हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पे लिख सकते हैं जो भी चीज़ें लिखना है। ठीक है, इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी सी, जो भी चीज़ें हैं इसको हम लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, यह एक डिजिटल बोर्ड है। आपको यदि इस टाइप से पढ़ाना है तो आपको डिजिटल बोर्ड लेना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन को पढ़ा सकते हैं, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसी टाइप से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या आ जाते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स के लिए सॉल्यूशन लाते रहते हैं। टीचर्स का था जो सर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पढ़ा सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पढ़ा सकते हैं। देखिए, पहला तो तरीका वही जो आपको बताए, ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है, ये जो नोट सॉफ्टवेयर है इसमें भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप भी सोच रहे हैं इस टाइप से एक स्मार्ट बोर्ड लेने के लिए, यदि आप भी सोच रहे हैं हमको एक स्मार्ट क्लास बनाना है, या अपना खुद का एक ऐप बनवाना चाहते हैं, वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किस नंबर पर? 9973727 ठीक है, 5719 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेव कर दीजिए आप लोग क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से सेव कर देना है? क्रिएटर्स माइंड के नाम से आप लोग सेव कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपको सारा डिटेल्स इस नंबर पे दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहला क्या चीज़ है, यदि आप लोग डिजिटल बोर्ड ले लेते हैं तो पीडीएफ पीपीटी पे तो पढ़ा ही सकते हैं, तो आप व्हाइट बोर्ड की तरह अच्छे तरीके से, जैसे ये देख सकते हैं, जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड को पढ़ाते थे, आसान है और कुछ नहीं, एक पेन उठाइए आपको लिखना शुरू, इस टाइप से अलग चलेगा, इधर से लिखिएगा तो दूसरा कलर चलेगा। ठीक है, ये जो है कोई भी आपको टेंशन नहीं होगा, आपको जो भी कलर चलाना है आप लोग इजिली इस पर चला सकते हैं, कहीं भी राइट कर सकते हैं। पहला तो आपका ये फायदा हो जाता है, दूसरा पीडीएफ पीपीटी नोट्स कोई भी चीज़ हो उस पर आप पढ़ा सकते हैं, तीसरा 3D में कोई भी चीज़ दिखाना हो तो आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, 3D में चीज़ों को दिखा सकते हैं। जैसे ये है सन, इसको हम लोग अच्छे से दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं, अब सेलेक्ट पे आते हैं, अब हम लोग को थोड़ा सा इसको जूम करेंगे तो ये आपका पूरा जूम हो जाएगा, यहाँ से हम लोग दिखा सकते हैं। ये जो है मार्स है, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, ये एक सन आपका क्या है, ये सन है, ये क्या हो गया, ये आपका मार्स हो गया। इस टाइप से हम लोग सारा चीज़ को नोटेशन में बता सकते हैं, मतलब अब जो है विजुलाइज का जमाना है, 3D का जमाना है, जैसे लोगे बदल रहे हैं सबको बदलना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप भी आज 50 स्टूडेंट को ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, आपको 500 स्टूडेंट तक पहुंचना है, तो आपके पास भी डिजिटल बोर्ड रहना चाहिए। अब इसको जूम इन करना है, जूम आउट, एक मिनट, ठीक है, पेन से नहीं सेलेक्ट से होता, सेलेक्ट करके इसको हम लोग जूम इन जूम आउट जो भी चीज़ें कर सकते हैं। अब इसको हम लोग को ऊपर नीचे जो भी करना है 3D में चारों तरफ, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, राउंड अप कर सकते हैं, घुमा सकते हैं चारों तरफ। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हैं, 3D में पढ़ा सकते हैं। अब देखिए, कोई भी पिक्चर हमको सर्च करना है, मान के चलिए कोई भी पिक्चर 3D में आपको लाना है, तो अभी हम लोग सर्च कर लेते हैं मैप, इंडिया मैप, तो हम लोग क्या हो गया, इंडिया मैप यहाँ पे आपका आ गया। इस टाइप से इसको हम लोग को लेना है, इस पिक्चर को इस पर इंसर्ट कर देंगे तो ये आपका डिजिटल बोर्ड पे आ गया। अब इस पर अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ये जो है आप इस पर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं जो भी चीज़ें लिखना है। ये जो है आपका इंडिया मैप हो गया, ठीक है, ये जो है आपका इंडिया हो गया, यहाँ जो भी चीज़ें हैं सारा चीज़ के बारे में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका बिहार हो गया, ये जो है यूपी, इधर झारखंड, जो भी चीज़ें आपको लिखना है अच्छे तरीके से लिख के रब कर सकते हैं। अब सर ये तो बड़ा छोटा देखने में लग रहा है, इसको बड़ा करना है, इस पर क्लिक कर देना है आपको, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऊपर नीचे करना है, जैसे जैसे कीजिएगा उतना आपका बड़ा होते चलेगा, आपका पिक्चर क्वालिटी भी नहीं फटेगा, ये भी आप लोग कर सकते हैं। अब सर ये जो व्हाइट बोर्ड है इसी पे हम सोचते हैं जो पीडीएफ और पीपीटी को ओपन करें। एक तो जब शुरू में आप वीडियो बनाए थे, दिखाए थे हमको डायरेक्ट ओपन करके, देखिए इसमें क्या है, दो तरह से आप ओपन कर सकते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है, यदि पीडीएफ पीपीटी पढ़ाना है आपको, तो ये देखिए मेरा पीपीटी है, इस पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे, कोई भी चीज़ डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका निकल गया, आप इस पे पढ़ा सकते हैं। इसको इस पे जो है पढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे, पेन पे क्लिक करेंगे, ये आपका यहाँ से पेन आ गया। अब क्या कर सकते हैं, आप पेन को आप नीचे कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए, जहाँ भी पढ़ा सकते हैं, तो आपके पास मात्र इतना ही ऑप्शन रहता है पढ़ाने के लिए। अब क्या कर सकते हैं, बस इसमें जो है आप लिख सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अब आपको दूसरा क्वेश्चन पे जाना है तो आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, या यहाँ भी आप सिस्टम आपके पास रह जाता है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स को देखते होंगे यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप सेकेंड क्वेश्चन चले जाता है यहाँ से, तो इसके लिए आपको नोट सॉफ्टवेयर
नोट थ्री, कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ाना पड़ता है, नोट थ्री में पढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ से आप आगे पीछे बटन पर क्लिक करते चलिएगा, आपका एक एक क्वेश्चन आगे होते चलेगा। तो ये तो हो गया, आपको डायरेक्ट वहाँ से आप कर लिए। अब है जो सर हमें ये एक नोट सॉफ्टवेयर अभी जो बताए थे वो नोट थ्री है जिसमें कि आगे पीछे करने वाला है, लेकिन सर ये नोट सॉफ्टवेयर इसमें हम पढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। इसमें पढ़ाने के लिए आपको मीनू पर क्लिक करना है, मीनू पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको इम्पोर्ट कर देना, इम्पोर्ट इम्पोर्ट मतलब इसमें देना, एक्सपोर्ट मतलब निकालना। अब क्या चीज़ इम्पोर्ट करना है, तो पीडीएफ इम्पोर्ट करना है। क्या चीज़ है वो, पीडीएफ है। तो पीडीएफ कहाँ पे है, तो डाउनलोड वाला सेक्शन में, आपका मन जहाँ पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इस पर हम लोग एक बार क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो अब जितना पेज का है उतना आपका टाइम लगेगा। अभी 51 पेज का है तो आपको लगभग टाइम लगेगा, ठीक है 51 सेकंड लगभग। तो ये आपका जितना भी पीडीएफ है, पीपीटी जितना भी पेज है वो सारा आपका इस पर आ जाएगा। इस पर आपके पास सारा ऑप्शन मिल गया, इतना ऑप्शन मिल गया आपको पढ़ाने के लिए। पहले वहाँ पे तीन ही ऑप्शन मिला था, ठीक है। ये जो है आपका एंड्रॉयड डिजिटल बोर्ड है, बहुत लोग ओपीएस लेते हैं तो उसमें क्या होगा, आगे पीछे करने वाला भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो है फुल स्क्रीन में इसमें नहीं आएगा। आपको यदि सोचना है जो हम पूरा स्क्रीन में क्वेश्चन को लाए तब पढ़ाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप ओपीएस ले सकते हैं, लेकिन विदाउट ओपीएस। ओपीएस वाला डिजिटल बोर्ड 20-25 हज़ार ज़्यादा में देता है, तो आप विदाउट ओपीएस वाला भी ऐसे पढ़ा सकते हैं। अब इसमें हमको जो भी पढ़ाना है, अब हमको सेकेंड क्वेश्चन पर जाना है, यहाँ पर हम लोग चलते चलेंगे। तो ये हम लोग आ गए इस पर फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते चलेंगे तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आगे बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे। ये इसमें क्या होता है, ये आपका पूरा डिजिटल बोर्ड में नहीं आता, आपको घिंच के इसको करना पड़ेगा। सपोज दैट हम लोग इस पर क्लिक किए, अब हमको पूरा डिजिटल बोर्ड में करना है, तो इसको हम लोग घिंच के इधर दे आएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ जो हम लोग क्या करेंगे, इसको घिंच के इधर दे आएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, स्टेप से पूरा डिजिटल बोर्ड में आप लोग इसको कर सकते हैं। अब इसमें जो भी लिखना है, आपको लिखने के लिए पेन मिल गया, तो अब इजिली आप लोग क्या कर सकते हैं, इजिली इस पर जो भी समझाना है समझा सकते हैं। अब हमको आगे जाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आगे जा सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है यहाँ से आगे पीछे जा सकते हैं। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें टोटल क्वेश्चन कितना था, 51। अब हमको 51 पे जाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब हमको जितना भी क्वेश्चन पे जाना है तो थोड़ा ऊपर करेंगे, यहाँ पे आपको 51 पे जाना है, तो सबसे नीचे हम लोग चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, हम लोग सबसे नीचे क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो सबसे नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो है आपका 51 नंबर का, सॉरी 50 ही क्वेश्चन था, 51 स्लाइड है। तो ये आपका 50वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। अब जो भी लिखना है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लिख के पढ़ा सकते हैं। इस टाइप से आप लोग पीडीएफ पे, पीपीटी पे और व्हाइट बोर्ड की तरह, जैसे आप लोग व्हाइट बोर्ड का यूज करते थे, सेम टू सेम ये देखिए आपका व्हाइट बोर्ड हो गया। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। अब जो कलर में आपको पढ़ाना है, सर हमको ग्रीन कलर अच्छा नहीं लगता है, बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। अब व्हाइट हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जो भी कलर का आपको बैकग्राउंड चाहिए वो क्या कर सकते हैं, आप लोग ईजिली यहाँ से बदल सकते हैं। ये आपका बैकग्राउंड का कलर यहाँ से चेंज होते रहता है, आप पे डिपेंड करता है जो आपको लगाना है। सर यहाँ पे जो स्टेप से कलर है काला है, इधर से उजला है, तो हम इधर से जिधर काला है उधर बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पतला है, पतला की तरफ क्या है, काला है, तो अब इसको इस पर क्लिक करेंगे। अब हमको करना है इसको रेड, तो ये हो गया अब रेड, अब जो चलेगा वो रेड चलेगा, ठीक है। अब जो चलेगा क्या चलेगा, अब रेड चलेगा, आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है आप पाँचों उंगली से क्या कर सकते हैं, पाँचों उंगली से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे बातों को। तो ये आपका डिजिटल बोर्ड में सारा खासियत होता है। पीडीएफ पे पढ़ाइए, पीपीटी पे पढ़ाइए, 3D में पढ़ाइए, बच्चे को लंग्स वगैरह, जैसे आप बायोलॉजी के हैं, लंग्स दिखाना है, हार्ट दिखाना है, सारा चीज़ को आप 3D में धड़कते हुए दिखाइए, ठीक है। तो आपको यदि डिजिटल बोर्ड लेना है, ऐप बनवाना है, वेबसाइट बनवाना है, आप क्रिएटर्स माइंड कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।